नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जाबे पंचायत के मध्य विद्यालय कुसा में सोमवार को जिला एमडीएम पदाधिकारी राजीव कुमार झा ने जांच के लिए पहुंचा, जहां जांच के दौरान उन्होंने विद्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता पकड़ी। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि मध्य विद्यालय कुसा में सोमवार को मात्र 136 बच्चे उपस्थित थे, जबकि इसके पूर्व विद्यालय प्रधान के द्वारा 300 से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति एमडीएम में दर्शाया गया था। वहीं उन्होंने विद्यालय में मध्याह्न भोजन के भंडारण में भी अधिक मात्रा में गंदगी पाया। जिला एमडीएम पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर विद्यालय में जांच की गई है और जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता पकड़ी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट बनाकर वरीय पदाधिकारी को सौंपने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई भी अवश्य किया जाएगा। सोमवार को विद्यालय में जांच के लिए पहुंचे जिला एमडीएम पदाधिकारी के समक्ष सैकड़ों ग्रामीणों एवं विद्यालय के सभी बच्चों ने विद्यालय प्रधान के शिकायतों की झड़ी लगा दी। वे ग्रामीणों ने अधिकारी को बताया कि विद्यालय प्रधान कविता देवी एवं उनके शिक्षक पति दीनदयाल मुखिया के द्वारा विद्यालय में जमकर अनियमितता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बताया कि विद्यालय प्रधान को विद्यालय के पठन पाठन से कोई मतलब नहीं रहता और कभी भी विद्यालय में बच्चों को सही तरीके से एमडीएम नहीं दिया जाता है। सभी ग्रामीणों एवं विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उस विद्यालय से स्थानांतरित करने की मांग की है। भोजन जो बनी है सर, खा रहे हैं कैसा, मतलब लग रहा है क्या है भोजन में गुणवत्ता क्या जी, और बाकी सर गुणवत्ता जो खाना का टेस्टी है, चावल दाल सब्जी मेन्यू के हिसाब से बना है कैसा सर खाना? खाना तो ठीक है, खाना ठीक लग रहा है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था जो बोल रहे थी बदबू आ रहा है खाना से। आज जैसे कि ग्रामीण सब का भी कहना है कि सर लोग आए हैं तो इस तरह से टेस्टी भोजन बनाए हैं जी। हम लोग अचानक आए हैं जी, उनका सब्जी बन चुका था जी और पहले से बना के रखा था। कुछ लोग बोल रहे हैं घर से बना के लाए हैं। ना घर से कहाँ, जो किचन से ही खाना लेके हम लोग खा रहे हैं। तो साफ सफाई की कमी है और कुछ नहीं है। और इसमें क्या क्या स्कूल में जांच में पाए सर? साफ सफाई की कमी है, चावल ठीक से रखरखाव नहीं है जी, पानी भी देखो बह रहा है। इसे आपका परिचय सर? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मिड डे मील। ये मध्य विद्यालय जावे कुशाहा में शिकायत थी कि खाना में गंध आ रहा है, उसी को जांच जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से किया गया है जी। तो ये एचएम द्वारा बताया जा रहा है कि वो गैस लीक हो गया था, जिस वजह से वो बदबू उस दिन हुआ था। आज उसी सिलसिले में हम लोग जांच करने यहाँ आए हैं, तो जांच में पाए कि चावल का रखरखाव थोड़ा ठीक नहीं है जी। वो हम लोग पाए, लेकिन खुद बैठ के भी खाना खाए हम लोग जी, तो खाना तो ठीक था, गुणवत्ता उसकी ठीक थी। चावल दाल कैसा बना था सर? दाल भी ठीक है, थोड़ा पतला था, थोड़ा नमक था उससे ज्यादा, नमक ज्यादा था। आज कितनी उपस्थिति आपने कितना पाया विद्यालय में? 136। कल डायरी में कितना मेज के ये किया गया? परसों नहीं है, 24 तारीख का बनाए हैं। 24 तारीख को कितना इसने संधारित किया है? वो करीब 250 से ऊपर का है। और आपने कितना पाया? 136। अंतर है जी। आपने भी अनियमितता पाई? हाँ, छात्रों उपस्थिति में अंतर है। तो फिर कार्रवाई के लिए क्या जी? जी, वो हम लोग दे देंगे, रिपोर्ट दे रहे हैं जी। परिचय बता दीजिए जी। परिचय बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मिड डे मील पूर्णिया। नाम? राजीव झा।